अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने लेक्चर 3 लिया और लेक्चर 3 में हमने सीखा था सिर्फ वर्नियर कैलिपर क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसका लीस्ट काउंट कैसे मालूम किया जाता है। और आज हम बेटा इससे आगे चलेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी, कि जीरो एरर हमारे पास क्यों जरूरी है, यानी हम वर्नियर कैलिपर के जरिए जीरो एरर लेते ही क्यों है, क्या मकसद होता है कि हम जीरो एरर मालूम कर लेते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में, हमारे वर्नियर कैलिपर में पहले से कोई जीरो एरर है या नहीं है, उसका क्या फायदा है, क्यों जरूरी है। तो करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। जी देखिए बच्चे, अगर आप एक ऐसा स्केल इस्तेमाल करते हैं जो पहले से ही ठीक नहीं है, जिसकी रीडिंग मिटी हुई है, या जिसकी रीडिंग कौन सी है वो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो आप जितनी मर्जी रीडिंग ले लें आपको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले अपने वर्नियर कैलिपर को चेक करेंगे कि हमारे वर्नियर कैलिपर में रीडिंग गलत ना आए, इसलिए हम उसको पहले से ही उसकी जीरो एरर मालूम करेंगे। तो इसमें इसका फायदा यह है कि इससे हमारी जो करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड करेक्ट मेजरमेंट, हम करेक्ट मेजरमेंट जो से है उसे मालूम करने के लिए, दुरुस्त पेमाइश मालूम करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर की जीरो एरर को पहले से मालूम करते हैं, ये इसलिए जरूरी होती है। अच्छा नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कि व्हेन जीरो इज नॉट प्रोड्यूस, जीरो एरर इज नॉट प्रोड्यूस, कि कब हमारे पास जीरो एरर पैदा नहीं होती। अच्छा बच्चे, अब ये जो सब मैं आपको बता रहा हूं ये किसमें है, सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है कि यहां पर हमारे पास वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर लिखा हुआ है, इसमें ये देखे बच्चे मैंने निशान लगाया या कि 3 लाइने हैं, यही आपका क्वेश्चन है, मैंने सामने लिखा है कि व्हाई द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी। इसके बाद मैं आगे चला गया हूं कि जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, कि हमारे पास जो जीरो एरर है वो कब जो सी है वर्नियर कैलिपर में क्या है कि नहीं पैदा होती और कब वो पैदा होती है, ये यहां मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, ये साथ में बेटा डायग्राम्स बनी हुई हैं। अच्छा बेटा, अब हम इसमें सबसे पहले नो जीरो एरर, कि जब हमारे जीरो एरर नहीं है। बच्चे लास्ट टाइम मैंने आपको डायग्राम बनाकर वर्नियर कैलिपर के बारे में सारा बताया था कि उसके दो जार्स होते हैं, अगर आप मजीद देखना चाहते हैं तो ये देखिए बच्चे ये डायग्राम है हमारे पास, ये इसके दो जार्स हैं 1 और 2, इसमें जो वर्नियर स्केल है बच्चे ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है मेन स्केल के ऊपर और ये मूव करता है, इसके साथ जो जा है यानी जबड़ा है वो भी हरकत करता है और वर्नियर स्केल भी हरकत करता है। तो अब बेटा हमारे पास यहां पर नो जीरो एरर, कब जीरो एरर नहीं होती। अब बच्चे हमारे पास मूव कौन कर रहा है, वर्नियर स्केल, मेन स्केल तो बेचारा हरकत ही नहीं करता ना, तो वर्नियर स्केल हरकत कर रहा है, तो वर्नियर स्केल और अगर मेन स्केल इन दोनों के जार्स को आप आपस में मिला देंगे, जब आप इन दोनों के जार्स को आपस में मिलाओगे तो फिर ये जरूरी है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की दोनों के लाइंस जो सी हैं, जीरो लाइंस हैं, वो आमने सामने आ जाए। बच्चे याद रखिएगा कि हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है वो ऊपर की तरफ होती है और वर्नियर स्केल की रीडिंग नीचे की तरफ होती है, तो हमारे पास अगर मेन स्केल की जीरो लाइन और वर्नियर स्केल की जीरो लाइन आमने सामने आ जाती, कंसाइड कर जाती है, मिल जाती है, तो फिर उस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर नहीं होगी। व्हेन जीरो इज नॉट प्रोड्यूस, कब पैदा नहीं होती, क्लोज द जार्स, इसके दोनों जार्स को, दोनों जबड़ों को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इफ द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड्स, कंसाइड का मतलब क्या है बच्चे भला, मिलना, जुड़ना, कि अगर हमारे पास वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो जुड़ जाती है या मिल जाती है, किसके साथ मिल जाती है, विद जीरो ऑफ मेन स्केल,
मेन स्केल की जीरो लाइन्स है, मेन स्केल की जीरो लाइन्स है। जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल। तो हमारे पास अब इसमें एरर नहीं होगी क्योंकि दोनों की जीरो लाइन आपस में आमने सामने आ गई है, तो अब इसमें जीरो एरर नहीं होगी। ठीक, तो यहां पता चला क्योंकि हमारे ये देखे बच्चे वर्नियर स्केल और मेन स्केल की जीरो लाइन बिल्कुल सामने है, ये देख रहे हैं बच्चे आप, ये दोनों आपस में सामने हैं, तो इसमें इसमें एरर नहीं है। अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई जान ये एरर होती कब है, तो हमारे पास बेटा ये एरर कब होती है कि व्हेन जीरो एरर इज प्रोड्यूस्ड, कि जीरो पैदा कब होती है, तो जीरो एरर इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, कि अगर हमारे पास वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन से ना कंसाइड करें, ना मिले, ना जुड़े, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वर्नियर कैलिपर में एरर होगी। बस जैसे सेकंड जो डायग्राम मैंने बनाई है इसमें देखिए जीरो लाइन बच्चे क्या है, राइट साइड में चली गई है, ये जीरो लाइन आपके पास राइट साइड पर है, उससे मिली हुई नहीं है, तो इसलिए इसमें मतलब ये है कि यहां पे एरर है। तो हमारे पास पता ये चला कि हमारे पास जब एरर कब आती है, वर्नियर कैलिपर के दोनों जार्स को मिलाने पर अगर तो वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की जीरो लाइन सामने आ जाती है तो एरर नहीं है, और अगर वर्नियर कैलिपर में एरर कब पैदा होगी, जब वर्नियर स्केल की जीरो लाइन राइट लेफ्ट में चली जाएगी यानी मेन स्केल की जीरो लाइन से नहीं मिलेगी तो एरर आ जाएगी। उसकी वजह है बच्चे कि वर्नियर स्केल ही मूव करता है, मेन स्केल मूव नहीं करता, तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास वर्नियर स्केल ही मूव करता है तो फिर वर्नियर स्केल की ही जीरो लाइन या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमारे पास अगर तो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मिल जाती है, कंसाइड कर जाती है मेन स्केल की जीरो लाइन से, फिर तो एरर नहीं है, और अगर नहीं करती वर्नियर स्केल की जीरो लाइन कंसाइड या नहीं मिलती, नहीं जुड़ती मेन स्केल की जीरो लाइन से, तो इसमें एरर होगी। तो अभी तक बच्चे ने जो सीखा है इसे दोबारा सुन लें कि व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी, कि जीरो एरर को जानना वर्नियर कैलिपर में क्यों जरूरी है। करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट, करेक्शन इसलिए मालूम की जाती है, उसको इसलिए करेक्ट किया जानना जरूरी होता है ताकि आपके पास जो मेजरमेंट यानी पैमाइश, मेजरमेंट का क्या मतलब होता है बच्चे, पैमाइश, पैमाइश दुरुस्त आ जाए, इसलिए आप क्या करते हैं कि जीरो एरर को पहले से चेक कर लेते हैं। व्हेन जीरो एरर इज नॉट प्रोड्यूस्ड, अब हमारे पास जीरो एरर कब पैदा नहीं होती, तो बच्चे हमारे पास जीरो एरर तब पैदा नहीं होती कि अगर हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल की दोनों लाइंस जीरो लाइंस एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, अगर ये एक दूसरे लड़ाई नहीं करती और एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास आपका जो वर्नियर कैलिपर है बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अगर हमारे पास दोनों जार्स को मिलाने पर जीरो वाला लाइन जो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन के या तो राइट पे चली जाए या लेफ्ट पे चली जाए और उसके सामने ना आए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास इस टाइम क्या है कि वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर मौजूद है। अब बेटा ये हमारे पास क्या था कि कब हमारे पास ये जरूरी क्यों है जीरो एरर, और कब जीरो एरर आती है और कब जीरो एरर नहीं आती वर्नियर कैलिपर में। अच्छा बच्चे, अब आपके सामने वो तीन मैंने डायग्राम्स बनाई हुई, अब ये तीन डायग्राम्स कहां पर है हम इनको देखते हैं, ये तीन डायग्राम्स कहां पर है, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 है, ये देखिए बच्चे ए बी और सी, ये चार डायग्राम्स हैं, तीन वहां पर डायग्राम्स हैं जो हमें बताई जा रही हैं यहां पर, और यही मैंने सामने बनाई हैं। तो जीरो एरर, नो जीरो एरर, तो पता चल गया कि मेन स्केल वर्नियर स्केल की जीरो लाइन सामने आ गई, लड़ाई थी ही नहीं, तो इसलिए इन्होंने एक दूसरे की बात मान ली, तो इसमें अब जीरो एरर नहीं है। लेकिन बी में अगर आप देखो बच्चे, तो हमारे पास इस टाइम वर्नियर स्केल, मैंने कहा था ना बच्चे कि वर्नियर स्केल की रीडिंग नीचे होती है और मेन स्केल की रीडिंग ऊपर की तरफ होती है, तो अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन राइट साइड पर चली जाती है, कहां चली जाती है, अगर हमारे पास ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल है,
तो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन अगर राइट साइड पर दी जाती है और कब चली जाती है, जब उसके दोनों जार्स को अपने मिलाया था। ठीक हो क्या बच्चे, इसके दोनों जार्स को मिलाया था। तो अब दोनों जार्स को मिलाने पर अगर वर्नियर स्केल की जीरो लाइन राइट साइड पर चली जाती है तो ये कौन सी एरर होगी, पॉजिटिव एरर होगी। ठीक है बेटा। और नेगेटिव एरर क्या है कि अगर हमारे पास यहां पर वर्नियर स्केल की, इसकी वर्नियर स्केल की V फॉर वर्नियर, S फॉर स्केल ले रहा हूं मैं, और इसी तरह ये M फॉर मेन और S फॉर स्केल, इसी तरह वर्नियर स्केल की जीरो लाइन अगर लेफ्ट साइड में यानी पीछे रह जाती है, वर्नियर स्केल की जीरो लाइन पीछे रह जाती है या लेफ्ट साइड पे आ जाती है मेन स्केल की जीरो लाइन से, तो ये कौन सी एरर होगी बेटा भला। हां जी बताए, ये बच्चे नेगेटिव एरर होगी। क्या होगी, नेगेटिव एरर होगी। तो अभी हमने ये सीखा कि हमें पॉजिटिव एरर कब आती है, जब वर्नियर दोनों जार्स को मिलाने पर, दोनों जबड़ों को मिलाने पर अगर हमारे पास मेन स्केल की जीरो लाइन के, वर्नियर स्केल की जीरो लाइन सामने आने के बजाय वर्नियर स्केल की जीरो लाइन थोड़ी राइट साइड पर चली जाती है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव एरर आ चुकी है आपके वर्नियर कैलिपर में। और अगर आपके पास दोनों जार्स को मिलाने पर शुरू में वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है बच्चे वो कहां चली जाती है, लेफ्ट साइड पर मेन स्केल की जीरो लाइन से, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट हम ये सीखेंगे कि व्हेन जीरो एरर इज पॉजिटिव, कि जीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव, ये सामने मैंने लिखा भी बच्चे, यही जो भी बताया आपको कि जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन राइट साइड ऑफ मेन स्केल, वर्नियर स्केल की जीरो लाइन राइट साइड पे है मेन स्केल, जो व्हेन द जीरो इज नेगेटिव, और ये नेगेटिव कब आएगी, इफ द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्केल, अगर वो लेफ्ट साइड पर आ जाए। ये था बेटा मेरा चौथा लेक्चर जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव एरर्स के बारे में सीखा और कब एरर्स आती हैं, कब नहीं आती और क्यों जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम ये सीखेंगे पांचवे लेक्चर में कि हमारे पास रीडिंग कैसे लेते हैं और इसको हम किस तरह से वर्नियर कैलिपर, वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग किस तरह से मालूम करेंगे, हम ये सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।